देखो सभी आ गए हैं और यहाँ पे अभी प्रोग्राम स्टार्ट होगा और आपको दिखाएंगे क्या मैसेज डिलीवर होगा और आप सबने ध्यान से सुनना है। आज के समय में हर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और हम सबको चाहिए कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से करें कि हम उस पे एक मर्यादा में रहकर चीजें पोस्ट करें। और तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के सिर्फ नुकसान ही है, उसके बहुत सारे फायदे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप। Hey guys, welcome back to another video. So guys, भाई आपका आ गया एक और वीडियो लेके और गाइज अभी आपका भाई हो चुका है रेडी, क्योंकि आज हमने प्लान बनाया कहीं बाहर जाने का, वो है गोरा के कॉलेज, इसकी विजिट है। आज नुक्कड़ नाटक पता नहीं कुछ था इनका वो जो एक्टिविटी, तो उसके लिए इसने जाना है, तो मैंने सोचा चलो मैं ही छोड़ देता हूँ और साथ में मैंने तो जाना ही था, तो गोरा जल्दी आ जाओ। गाइस इधर देखो, मम्मा देती हुई लड्डू गोपाल के कपड़े गोरा को और मैं बाहर वेट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, और जब ड्राइवर को पता चलता है टाइम हो गया फिर उसकी टेंशन बढ़ जाती है, तो सवारी को तो कोई चक्कर नहीं है। देखो गाड़ी थोड़ी सी धोई थी बट धूल मिट्टी से फिर भी ख़राब हो गई है और गोरा अभी आ रही है, तो चलो भाई मैं पहले बैठ जाता हूँ, हर माता फिर ये भागते हुए आएंगे। बाहर मौसम बहुत अच्छा है गाइस, गाड़ी निकल चुकी है, गोरा अभी लगा रही है क्या नेल पेंट। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, यहाँ पे बावे तला में पहुंच गए हैं रिंग रोड के पास, और अभी मेरी फ्रेंड्स जो है वो सारी मेरा वेट कर रही है, वो बोल रही है हम तेरे साथ ही जाएंगे। तो पंचायत घर जाना है आज हमने, वहाँ पे हमारा नुक्कड़ नाटक है कोई, तो नुक्कड़ नाटक है सोशल मीडिया पे, मतलब सोशल मीडिया अवेयरनेस के ऊपर जो है वो हमारा एक प्ले है, उसको हम हिंदी में नुक्कड़ नाटक बोलेंगे। और अंशु आज जा रहे हैं मेरे साथ, कहाँ जा रहे हो आप? गोरा को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, आज मैं गोरा का ड्राइवर हूँ। नहीं आप मेरे ड्राइवर थोड़ी हो, और क्या आप मेरे परमानेंट ड्राइवर हो। दो परमानेंट है एक ही बात है। और आज हम जाएंगे, आज मैं आपको अपना कॉलेज दिखाऊंगी, आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ पढ़ी हुई हूँ, मैं सीधे आपको दिखाऊंगी कि मेरा कॉलेज कौन सा है, मतलब मैंने कहाँ से ग्रेजुएशन की हुई है वो दिखाऊंगी, और भी जगह जाएंगे तो जहाँ जहाँ जाएंगे आपको बताएंगे और आप अपने साथ दिखाएंगे। मटोली और ये देखो गर्ल्स हमारा वेट कर रही हैं सारी। चलो हम पहुंच गए यहाँ पे, पंचायत घर थोड़ा सा आगे, ये पंचायत घर थोड़ा सा आगे, हमें पता नहीं है गाड़ियाँ चलेंगे अंदर। आज आपको कैसे कैसा लग रहा है अपनी सालियों से? I'm feeling too much excited और मुझे लग रहा है कि आज तो बहुत ही कुछ कमाल ही होने वाला है, मैं क्या ही बोलूंगा। नहीं शिवानी ने आपको बोला कि आप स्मार्ट लग रहे हो, शिवानी ने तो मतलब आज मेरा पूरा दिन ही बना दिया। चाहो तू ही बोलते, मतलब बोलती जो आप स्मार्ट लग रहे हो। क्या बोलते हैं उसको, जी जो है ही स्मार्ट है। नहीं नहीं वो क्या बोलते हैं इसको, मतलब बिना कुछ खाए पिए इतनी एनर्जी आ गई ना, अब पिछा ही होने को थल्ले नहीं आया। और अंशु लगा रहे हैं गाड़ी साइड पे करके, बिकॉज यहाँ सारे बच्चे आ गए यहाँ पे, और अब देखो इनकी अलग ही डिस्कशन चल रही है मैम के साथ भी फ्रेंडशिप कर ली है इन्होंने, और इधर सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। गाइज अभी हम आए हैं नुक्कड़ नाटक के लिए गोरा के साथ पटोली में, और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आप पीछे देख सकते हैं मेरे, और यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह हो रही है, लेकिन जो इनका जो मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक पे इनका जो अभी ये रिहर्सल कर रहे थे, मैंने देखा इनको बहुत ही अच्छी चीज़ है, और हम सबको अवेयरनेस के लिए अभी हम पटोली के गाँव में ऐसे घूम रहे हैं, यह देख सकते हैं आप, और इन लोगों को अवेयर करना है सोशल मीडिया के लिए, वही टॉपिक है हमारा यहाँ पर मेन। और अभी देखो हम सभी गलियों में ऐसे जा रहे हैं, गोरा देखो पीछे आ रही थी कहाँ चली गई, यहाँ पे कौन है इधर, ये भी है सामने। गोरा ने काफ़ी मेहनत की है देखो सभी लेडीज़ को बुलाने में, हम पूरे गांव में गए थे, मोहल्ले में, गलियों में, सबको इनवाइट किया कि चलो वहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है वो देखना है, तो इसलिए बुलाया सबको। चलो चलते हैं, आ गए हैं और यहाँ पे अभी प्रोग्राम स्टार्ट होगा और आपको दिखाएंगे क्या मैसेज डिलीवर होगा और आप सबने ध्यान से सुनना है। इस्तेमाल इस तरह से करें कि हम उस पे एक मर्यादा में रहकर चीज़
चीजें पोस्ट करें, और अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो ये हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज किया, रिप्लाई भी नहीं करते हो। जिस नारायण पर इतना गर्व था और उसी के लिए हारे विद नारायण। अरे नारद, अरे नारद, सूर्यदेव का मैसेज देखा इंस्टाग्राम पर, इतने हॉट लग रहे हैं। इंसान तो इंसान, अब तो भगवान के भी यही हाल है, अब तो बस हर हर महादेव का ही सहारा है। सोशल मीडिया का क्रेज कितना बढ़ गया है, लोग हर एक चीज सोशल मीडिया पर अपलोड करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे इस नाटक के दौरान आपने देखा कि आपको सोशल मीडिया के कई सारे फायदे भी बताए गए और दूसरी तरफ इसके कई सारे नुकसान भी बताए गए। सबसे बड़ी बात, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अभी कोरोना आया था, तो कोरोना के थोड़े से केसेस सामने आए जिसको लोगों ने उनकी वीडियो और उनके फोटोज लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिए। कुछ लोग जो है वो उन पोस्ट को, उन वीडियोस को देख के बीमार हो गए। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम फोटोज अपलोड करते हैं, तो दूसरे लोग जब उनको देखते हैं तो खुद को उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो इसका, इस नाटक का सारा सार यही था कि जब भी आप सोशल मीडिया पर कुछ भी डाल, चाहे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप या किसी भी जगह, तो उसको हमेशा ध्यान में रख के डालिए कि उसका दूसरों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के सिर्फ नुकसान ही है, उसके बहुत सारे फायदे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करें। धन्यवाद। गाइज़, फाइनली हमारा यहाँ पे फंक्शन ख़त्म हुआ, मतलब गोरा उनका फंक्शन ख़त्म हुआ, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अभी हमने जाना है सिटी, थोड़ा सा सामान वगैरह लेना। तो आज की वीडियो हम इधर ही एंड कर रहे हैं। कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। ये था हमारा पडोली एरिया, यहाँ देख लो। मैं अभी फर्स्ट टाइम इनको छोड़ने के बहाने आया था, बट मैडम ने बताया कि आधे घंटे का काम है, आधा घंटा ही लगेगा, तो मैं इसलिए यहाँ पर रुक गया, क्योंकि फिर ये इन्होंने जम्मू जाना था, तो ये बसों में कहाँ बेचारे धक्के खाते, तो इसलिए सोचा कि हम इकट्ठे निकलाते हैं। वही बात है, सही बात है। बस दो मिनट में गोरा, कैसा लगा? मज़ा आ गया यार आपका वो परफॉर्मेंस देख के, दिल खुश हो गया। गाइस, ये है मेरा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड। और जब मैं यहाँ पढ़ती थी ना, ये कुछ भी नहीं होता था, ये गेट अभी बना है, मतलब गेट तो था बट ये बिल्डिंग वगैरह एंड ऑल ये सब अभी गेट खुलवाओ फिर। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए, अभी जाते हैं अंदर कॉलेज। सारा मूड ऑफ हो गया बिकॉज आज कॉलेज ही बंद था। देखो किस्मत, भाई यार सारे काम मतलब मूड ऑफ वाले हो गए हैं यार, क्या ही करें। स्पेशली कॉलेज आए और कॉलेज ही बंद, दिस इज कॉल्ड किस्मत, बुरी किस्मत।